फ्लपी है ये। हे गाइज, कैसे आप सब? तो आज मैंने केक की रेसिपी शेयर करी है, सो चलो इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें डाली नमक, वही पहले वाली यूज की हुई नमक ही। सो मैंने नमक डाली और उसे फैला दी। इस नमक को तो मैंने 10-15 बार तो ज़रूरी यूज कर लिया होगा। नाउ मैं इस पर स्टैंड रखूँगी। अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आप कोई सी भी कटोरी ले सकते हो या फिर इस टाइप का कुछ ले सकते हो, फिर आप इसे ढक दो। नाउ हम केक टिन रेडी कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसे स्टील के बर्तन में भी बना सकते हो। फिर मैंने इसे घी से ग्रीस कर लिया। आप इस पे बटर या फिर रिफाइन ऑयल ये सब भी डाल सकते हो। फिर अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर डालो, और अगर नहीं तो आप मैदे वाला प्रोसेस ही यूज करो। मैदे डालो और फिर लास्टली जो मैदा बच जाए उसे निकाल दो बाहर। तो फाइनली हमारा केक टिन तैयार है। अब मैं पहले इसे साफ़ कर देती हूँ। अब इसे मैं साइड करती हूँ। और फिर मैंने लिया 1.5 कप मैदा, 1 कप पाउडर शुगर, 1/2 कप कर्ड और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और कुछ बादाम लिए मैंने, और 1/2 कप बेकिंग सोडा, और थोड़ी सी घी ली, और मैंने नारियल के बुरादे कर लिए तैयार, और मैंने लिया सूखी वाली मिल्क पाउडर। तो चलो इसे तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने घी डाला और कर्ड, और फिर इसे मिक्स करने हैं। मैंने इसमें डाला पाउडर शुगर और इसे मिक्स करके फिर मैंने डाला पीसी हुई नारियल और उसे भी मिक्स करनी है। मैंने छन्नी लिया और उसमें मैदे को डाला और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये मिल्क पाउडर सबको डाल लेने हैं और इसे छान लेने हैं ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। नाउ मैं इसमें दूध डालकर इसे मिक्स करूँगी। थोड़े थोड़े दूध डालकर ही मिक्स करने हैं। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं क्रिएट होने चाहिए, और इसे अच्छे से मिक्स करो। मैं इसमें बादाम कट करना तो भूल ही गई। कोई नहीं, अब कर लेती हूँ। तो
तो फिर मैंने इसमें बादाम कट करके डाला। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो फाइनली केक का बैटर तैयार है। अब मैं इसे केक टिन में डाल दूंगी। देन इसे 3 से 4 बार टैप कर लेने हैं ताकि इसके सारे एयर बबल्स निकल जाए, और फिर मैं इसे कढ़ाई में चढ़ा दूंगी। और इस केक को लगभग आधा पौना घंटा पकाना है। और फिर ये मैंने इसे चढ़ाया और फिर से वापस ढक दिया, और फिर थोड़ी देर बाद, ये बहुत गर्म है, ये देखो, वाओ। अब मैं इसे चाकू से चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छी तरह से पक चुका है कि नहीं। ये देखो, ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसे निकाल लो बाहर। मैंने इसकी साइड को थोड़ी थोड़ी चाकू से छुड़ा लिया। वैसे तो ये पूरी छूटी चुकी थी, बट फिर 15-20 मिनट मैंने इसे ठंडा होने दिया, और थोड़ी देर बाद देखती हूँ अच्छे से निकलता है कि नहीं। ये देखो, फाइनली ये कितने अच्छे से बाहर आ गया। अब मैं इसे सीधी कर लेती हूँ। ये देखो, वाओ। अब मैं इसमें बादाम के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देती हूँ। तो फाइनली हमारा ये केक तैयार हो गया। अब हम इसे कट करेंगे, और ये सच में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी शेयर कर देना, और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके, बाय।